चुनावी मोड में दिख रहा है धामी सरकार। उत्तराखंड शासन ने 4 जिलों के डीएम समेत 34 अधिकारियों का किया तबादला। नमाज की छुट्टी पर बोले उत्तराखंड के पूर्व सीएम और हरीश रावत, एक बार चढ़ती है काट की हांडी। राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी ने हरीश रावत पर साधा निशाना, कहा तुष्टिकरण का राजनीति करती है कांग्रेस। उत्तराखंड में 2 अगस्त से खुल रहा है स्कूल, शासन ने जारी की एसओपी। उत्तराखंड में 3 जिलों में तेज बारिश की आशंका, संपर्क मार्ग बाधित होने से जरूरी सामान की आपूर्ति का संकट। कोरोना की रफ्तार पर लग रहा ब्रेक, उत्तराखंड में शनिवार को 38 लोग मिले कोरोना संक्रमित। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। पूरे तरह से चुनावी मोड में दिख रही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह की धामी सरकार ने सूबे के आला अफसरों को ताश के पत्तों की तरह फेंक रही है। शनिवार की देर रात 4 अधिकारियों समेत 34 वरिष्ठ आईएएस अफसरों को इधर से उधर कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि कुछ अरसे पहले भी बड़े पैमाने पर सचिवालय के अफसरों के महकमे बदले गए थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद जहाँ बीते दिन शासन के कार्यभार में बड़ा फेरबदल किया गया था, तो वहीं अब जिलों के जिलाधिकारियों समेत अन्य आईएएस अधिकारियों के भी तबादले कर दिए गए हैं। खबर बेरीनाथ से है जहां विश्व प्रसिद्ध हाटकाली मंदिर गंगोली हाट में श्रीमत देवी भागवत के अष्टम दिवस पर मुख्य यजमान नैन सिंह रावल ने महाकाली मंदिर के पुरोहित दीप पंत और पंकज पंत के द्वारा मंत्रोच्चारण के बीच महाकाली की शक्ति में सर्वप्रथम पंचामृत स्नान, देवी पूजन अर्चना की, साथ ही साथ कथावाचक शास्त्री पंडित मनोज कृष्ण जोशी ने कथा में प्रकाश डालते हुए मां भगवती की भक्ति के विषय में कहा कि अगर मनुष्य को भगवत कृपा चाहिए तो भगवान से प्रेम करना चाहिए। साथ ही 2 अगस्त को परायण के अवसर पर समस्त क्षेत्रवासियों और श्रद्धालु से भंडारे में प्रसाद ग्रहण करने की भी अपील की है। ये किस चीज का दोष है? क्या मेरा दोष है? पुत्रेण मम दुष्टार, क्या खरगोश को मारने के लिए सेल भेजने? माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रम में कॉर्बेट में 50 महिला जिप्सी चालकों की रजिस्ट्रेशन का खबर रामनगर से है जहां जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में 50 महिला जिप्सी चालकों की भर्ती निकली थी, जिसमें 45 महिलाओं के आवेदन आए थे। उन सभी महिलाओं का कॉर्बेट प्रशासन में साक्षात्कार चल रहा है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत बीती 21 तारीख को विश्व दिवस के अवसर पर रामनगर में आए थे। तब उन्होंने घोषणा की थी कि वन संरक्षण और संवर्धन में राज्य की महिलाओं की सीधी भागीदारी सुनिश्चित की जाए और उन्हें रोजगार से जोड़ा जाएगा। वहीं 45 महिलाओं ने आवेदन किया है, उनके दस्तावेजों की जांच भी की जा रही है। बता दें कि उनको बीरचंद गढ़वाली योजना के तहत किस तरीके से जिप्सिया क्रय की जानी है उस पर कार्यवाही की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रम में कॉर्बेट में 50 महिला जिप्सी चालकों की रजिस्ट्रेशन का पंजीकरण का कार्य चल रहा है। आज उनका साक्षात्कार किया जा रहा है और इसमें 45 महिलाएं जो हैं वो प्रतिभाग कर रही हैं। इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनका चेकिंग वगैरह हो रहा है। और मेरा नाम ममता भट्ट है। हम जो राज्य सरकार की योजना चली हुई है महिला जिप्सी चालकों के उपलक्ष्य में, आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं। सारे लोग यहाँ पर साक्षात्कार होना है। इससे पहले हमने फॉर्म जमा कर दिए हैं और आज साक्षात्कार के लिए हमें बुलाया गया है। वीरचंद सिंह गढ़वाली योजना के तहत जो हमें यहाँ पर जिप्सियाँ मिलेंगी
उस योजना के तहत यहाँ पे हमें साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है। खबर देहरादून से है, जहां कोरोना की दूसरी लहर के दौरान राजधानी देहरादून के निजी अस्पताल द्वारा दी गई स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अस्पताल के एमडी डॉक्टर विपुल कंडवाल और उनके स्टाफ को देवभूमि मानव सेवा ट्रस्ट की ओर से कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने अस्पताल पहुंचकर सभी को सम्मानित किया गया। इस मौके पर धस्माना ने कहा कि अस्पताल के द्वारा अपनी जान जोखिम में डालकर जनता के लिए जो सेवा भाव से जो कार्य किया गया है उसके लिए ये सम्मान कुछ भी नहीं है, लेकिन कार्य करने वालों का उत्साहवर्धन के लिए आज सम्मानित किया गया है, जिससे भविष्य में और बेहतर सेवाएं देने का काम करें। मैं श्री सूर्यकांत धस्माना जी, उनकी जो सोसाइटी जिसने जो कोरोना मुझे ही नहीं मेरे मैं कहूँगा कि ये जो उत्साहवर्धन था ये पूरी एक टीम के लिए था। जैसे कहते हैं कि हमारी पांच उंगलियां बराबर नहीं होती, तो वैसी टीम का मैं एक कैप्टन था, तो कैप्टन के साथ साथ जो मेरी पूरी टीम थी जिसमें मेरे नर्सिंग मेरे कलीग डॉक्टर लोग नर्सिंग स्टाफ खाना खिलाने वाले हाउसकीपिंग जितने सिक्योरिटी गार्ड थे सबको आज श्री सूर्यकांत धस्माना जी की ओर से सम्मानित किया गया और उनकी टीम की ओर से कांग्रेस की टीम की ओर से सम्मानित किया गया। मैंने उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से भी और देवभूमि मानव संसाधन विकास ट्रस्ट की ओर से भी आज आरोग्य धाम के डॉक्टर विपुल कंडवाल उनकी पूरी टीम सारे डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ नर्सिंग स्टाफ हाउसकीपिंग स्टाफ यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स उनको इस बात के लिए आज सम्मानित किया गया और धन्यवाद दिया गया। जिस प्रकार से डॉक्टर विपुल कंडवाल के नेतृत्व में उनकी पूरी टीम ने पूरे राज्य के तमाम लोग जिस समय तड़प रहे थे ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे आईसीयू के लिए तड़प रहे थे कोविड की दूसरी लहर का जो विनाशकारी स्वरूप था भयंकर उस दौर में जिस प्रकार से सेवा करी मरीजों की हमने तमाम मरीज यहाँ पर भेजे। खबर अक्सर से है, जहां स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर अब तैयारियां तेज शुरू कर दी है। साथ ही एएनएम और आशा कार्यकर्ती को ट्रेनिंग देकर बताया कि तीसरी लहर से बच्चों को आने वाले लक्षण क्या होंगे, हम किस तरीके से कोरोना के लक्षणों को बच्चों में पहचान करेंगे, साथ ही साथ घर घर जाकर कैसे बच्चों के बारे में जागरूक करना है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर अनिल वर्मा ने बताया कि तीसरी लहर को देखते हुए सभी आशा कार्यकर्ता और एएनएम फार्मासिस्ट को ट्रेनिंग दी गई है और साथ ही साथ उनको बताया गया है कि डेंगू डायरिया जैसे लक्षणों को कैसे पहचान करनी है और इनको बताया गया है कि घरों से बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक कैसे लाना है। सभी आशाओं को ट्रेनिंग देना चाहूँगी ताकि वो भी हम लोगों की तरह काम करें गांव में जाके और सभी गांव वालों को उनके बच्चों को जागरूक करें। एक्चुअली अभी डिस्ट्रिक्ट पर भी एक ट्रेनिंग दी गई थी हम लोगों को डॉक्टर्स को पैरामेडिक्स को जो हमारे फार्मासिस्ट भी जो तीसरी लहर के मद्देनजर जितने भी हमारे 0 से 18 साल तक के बच्चे हैं उनको कैसा कैसे डेंगू या डायरिया के सिम्टम्स आए हैं उसी के सापेक्ष इनको आज बुलाएगा जो एएफए हमारी आशाएं हैं एएनएम है उनको हम ट्रेनिंग देंगे इनको बताएंगे उनको कैसे किस साइंस से उनको कैसे पहचानना है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां भारी बारिश के बाद निकली चटक धूप से पहाड़ियों दरक रही है। ऐसा ही एक वीडियो गंगोत्री हाईवे का आया है, जहां डबरानी पुल के पास पहाड़ी के भारी मात्रा में मलबा हाईवे पर गिरा। हालांकि इस घटना में किसी तरह से जनमाल का नुकसान नहीं हुआ है। पहाड़ी से गिरा मलबा एनटीपीसी की परियोजना के समय बनी दीवार और मैदान पर अटक गया। Oh my God! पूरा चट्टान पूरी पहाड़ी है जो डबरानी में ये पूरा टूट गया है। ये नेशनल हाईवे है और सामने मेरी बाइक है वहाँ पे। Oh my God! बहुत बड़ा भूस्खलन। मैं राजेश रावत डबरानी में आया था, मैंने वो सूचना मिली कि डबरानी पुल के पास है जो भूस्खलन होने वाला है। मौके पे पहुँचा तो देखो ये पूरा
बड़े बड़े बुलडोजर जो पूरी पहाड़ी है जो उतर चुकी है। देहरादून के जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने आईएसबीटी देहरादून का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान बस अड्डे पर चल रहे स्वास्थ्य परीक्षण बूथ का जायजा लिया, साथ ही वहां पर मौजूद यात्रियों से बात की। इसके साथ ही बिना मास्क के घूम रहे पैसेंजर और गाड़ियों के चालकों की फटकार भी लगाते हुए परिवहन विभाग के अधिकारियों को चालान काटने के निर्देश दिए। वहीं डीएम ने कई बातों को लेकर के निर्देश भी दिए गए, साथ ही साथ आईएसबीटी के जीएम को किट उपलब्ध करवाने के आदेश भी दिए हैं। साथ ही शौचालय में गंदगी पाए जाने पर संबंधित संस्था पर भी साफ सफाई करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। हमने वॉर्न किया है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स को, मैंने इंस्ट्रक्ट किया है कि ऐसे जो भी बिना मास्क पहने हुए घूमते पा रहे हैं उनको ये लोग चलान करें और फाइन भी करें। तो इसके अलावा बसेस पे भी चेक किया और बेसिक फर्स्ट एड किट इत्यादि कई बसेस पे नहीं थे, तो मैंने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स को रिक्वेस्ट किया है कि फर्स्ट एड किट एक बेसिक नेसेसिटी है, हर बस में होना चाहिए और इमरजेंसी समय में अत्यंत आवश्यक है फर्स्ट एड किट का रहना। खबर लक्सर से है जहां मुंडा खेड़ा खुर्द की महिला ने अपने कृषि भूमि बेचने के 6 महीने बाद वही जमीन अपनी बेटी के नाम दान कर दी। आरोप है कि इसके लिए हल्का लेखपाल ने महिला से सांठगांठ कर सरकारी कागजों से में हेराफेरी की। खरीदार महिला ने इसकी शिकायत एसडीएम से की। एसडीएम ने मामले में जांच बिठा दी है। वहीं एसडीएम ने कहा कि राजस्व अभिलेखों में आरोपी महिला के नाम के सामने के कॉलम 11 में पूरी भूमि वितरित होना लिखा हुआ बताया था। इसके बावजूद लेखपाल ने उससे सांठगांठ कर जमीन हड़पने की नियत से गलत रिपोर्ट दी। मिंटर ने लेखपाल और महिला दोनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। लालकुआ कोतवाली पुलिस ने आज एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के सभी सम्मानित गुरुजन मौजूद थे और जनप्रतिनिधियां भी इस बैठक में शामिल रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में हो रही पूजा अर्चना के दौरान तेज आवाज में साउंड ना बजाने के उद्देश्य को लेकर यह महत्वपूर्ण बैठक ली गई। वहीं इस बीच मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के सभी लोगों को दोबारा बताया और दोहराया गया कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार किसी भी धार्मिक स्थलों पर तेज साउंड का प्रयोग नहीं किया जाएगा, जिससे किसी भी व्यक्ति विशेष को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। आप अपने धार्मिक स्थलों के अंदर ही साउंड का प्रयोग हल्की आवाज में कर सकते हैं। माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा विभिन्न जो धार्मिक संस्थान हैं, गुरुद्वारा मंदिर मस्जिद, इनमें जो ध्वनि विस्तारक यंत्र हैं, लाउड स्पीकर हैं, उनकी आवाज़ बहुत अधिक तीव्र मात्रा में होने के कारण जो गाइडलाइन दी गई है कि वो 5 डेसिबल से अधिक ना हो, तो माननीय न्यायालय के आदेश से मंदिर के पुजारी, मस्जिद के मौलवी और गुरु ग्रंथ साहब के जो पाठ करने वाले हैं, इन सबको बुलाकर एक बैठक ली गई। शिक्षा विभाग ने अब सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदलने की कवायद शुरू कर दी है। अब निजी स्कूलों से बेहतर शिक्षा और बेहतर संसाधन सरकारी स्कूलों के बच्चों को उपलब्ध होंगे और हाईटेक तकनीक से बच्चे गणित के कठिन प्रश्नों का उत्तर आसानी से सीख सकेंगे। साथ ही ऑडियो विजुअल हाईटेक तकनीक से नर्सरी से लेकर 12वीं तक के बच्चों को सरकारी स्कूलों में शिक्षा उपलब्ध हो सकेगी, जो उत्तराखंड के सरकारी शिक्षा व्यवस्था के सुधार में बढ़ने वाला सराहनीय प्रयास है। आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। सरकारी स्कूलों में लगातार गिरती शिक्षा व्यवस्था और कम होते छात्रों की संख्या को देखते हुए शिक्षा विभाग ने अब आधुनिक तकनीक से शिक्षा प्रणाली में बदलाव शुरू कर दिए हैं, जिसके लिए स्कूलों के भवन के जीर्णोद्धार से लेकर भवनों के सौंदर्यीकरण के साथ ही शिक्षा प्रणाली को हाईटेक करने की कवायद शुरू कर दी है।
इसके लिए काशीपुर के अब तक 35 स्कूलों को हाईटेक तकनीक से जोड़ दिया गया है, जिसमें आधुनिक उपकरणों से लैस लैब तैयार की गई है, जिससे बच्चे आसानी से गणित के सूत्रों की बारीकी जान सकेंगे। शिक्षा विभाग है, ये हमारे अध्यापक बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, एक टीम के रूप में हम सब इस लक्ष्य के को लेकर के चल रहे हैं कि सरकारी शिक्षा किसी भी मायने में निजी शिक्षा से कमतर ना हो और एक समुदाय का सरकारी विद्यालयों पर विश्वास बढ़े। और हम लगातार देख रहे हैं कि हमारे विद्यालयों में निजी स्कूल से वापस बच्चे सरकारी स्कूल में आ रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ एक रेलवे प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ पर इस समय 375 की छात्र संख्या हो चुकी है, जबकि पिछली बार मात्र 300 थी। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सरकारी स्कूल से, चाहे हम इंदिरा गांधी स्कूल की बात करें या रामपुरा स्कूल की बात करें या रेलवे की बात करें, तो निजी स्कूल से वापस बच्चा सरकारी स्कूल में आ रहा है क्योंकि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर और ऐसा उनको एम्बियंस मिल रहा है। तो अध्यापकों को, समाज के लोगों को विश्वास बढ़ रहा है कि सरकारी शिक्षा दिन प्रतिदिन बेहतर होगी। उपखंड शिक्षा अधिकारी ने बताया कि निजी स्कूलों से अब छात्रों की सरकारी स्कूलों की तरफ वापसी भी हो रही है, जिसके चलते बच्चों की संख्या में सरकारी स्कूलों में इजाफा हो रहा है। लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव और डिजिटलाइजेशन, ऑडियो वीडियो टेक्निक अब सरकारी बच्चों में भी शुरू कर दी गई है, जिसमें टच पैनल से आसानी से बच्चे पढ़ाई को समझ सकेंगे। बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये है कि किस तरीके से बच्चे गणित को खेल खेल में सीख सके। सामान्यतः ये होता है कि हमारे बच्चों को गणित समझने में कई तरह की मुश्किलें आती हैं, जो कि बेसिक से लेकर कक्षा 1 से लेकर 12 तक की प्रत्येक कक्षा के लिए है, ताकि बच्चे गणित को सरलता से सीख सके। इस पूरी बिल्डिंग को, इस पूरे कमरे को इस थीम में बनाया गया है कि इसकी दीवारों से, इसके फर्श से और इसकी जो भी इसमें चित्रकारी की गई है, कहीं ना कहीं बच्चे के दिमाग में गणित हो और ये एक समझ विकसित हो कि गणित को सीखना बहुत आसान है। बहरहाल गुणवत्ता परक शिक्षा अब सरकारी स्कूलों में भी मिल सकेगी और सरकारी स्कूलों के स्तर में सुधार जल्द देखने को मिलेगा। सरकार के डिजिटल शिक्षा के स्वरूप को फिलहाल काशीपुर के कुछ स्कूलों में शुरू कर दिया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ने लगी है। यदि सरकार गंभीरता से डिजिटल लैब के स्वरूप को सरकारी स्कूलों में लागू करती है, तो आने वाले समय में उत्तराखंड के सरकारी स्कूल भी देश के लिए मॉडल होंगे। काशीपुर से आजाद। और इस वक्त वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं